हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेरी बेटी का हेडबैंड कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। देखते हैं उसके पास क्या क्या वैरायटीज हेडबैंड है। तो मेरे पास पहले मैंने जो एक पहना हुआ है वो ये वाला है, और दूसरा येलो कलर का प्लेन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास ये सिंपल सा ब्लैक वाला, जो मैं स्कूल को यूज़ करती थी। ये तो नॉर्मली हर बच्चे के पास रहता है, ब्लैक हेडबैंड तो नॉर्मली स्कूल में बच्चे ऐसे ही सब पहनते हैं। मेरे पास दूसरा वाला भी है, लेकिन थोड़ा साइज डिफरेंट है, ऐसे ब्रॉड वाला है। हाँ, ब्रॉड वाला ठीक है। उसके बाद ये प्लेन वाला, जैसे मैं ऐसे पहन सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट मेरे पास ब्लैक कलर का, जो थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा है, बड़ा वाला। यूजुअली ये ब्लैक कलर हेडबैंड सब स्कूल या स्कूल के कोई फंक्शन में वैसे पहनती, नॉर्मली बाहर जाते वक्त तो ये फैंसी हेडबैंड ही पहनती। ये मैं पिंक कलर का जिसमें फ्लावर्स है, ये सबसे ब्रॉड है। शुभश्री पहन के दिखाओ, ये सबसे ब्रॉड है, मतलब अगर जिसका भी बॉय कट या बॉब कट हो तो उनके लिए ये हेडबैंड बहुत मस्त लगेगा। और फिर ये मुझे मिला था गिफ्ट में। हाँ, ये तो इसको हम बोलते हैं, हमने तो इसे क्वीन हेडबैंड रखा है। ये ऐसे भी पहन सकते हैं शुभश्री, और एक तरह किसे पे पहन के दिखाओ, ये ऐसे भी पहन सकते हैं। तो जैसा आपका हेयर स्टाइल है, जैसा आपको पहनना है, आप वैसा पहन सकते हैं। ये एक रेड वाला जो मैं पार्टी वेयर के साथ पहनती हूं, इसमें बीड्स लगे हुए हैं ऐसे। इसमें ठीक से दिखाओ, इसमें बीड्स लगे हुए हैं, बीड्स शाइनी है, और रेड बीड्स है जो आपके रेड ड्रेस में ऐसे सिंपल ऐसे रख सकते हो, और दूसरा ऐसे नॉर्मल जैसे हेडबैंड पहनते वैसे लगा सकते हो। आप इसको खींच के लगाएंगे तो आपको वो लाइंस दिखेगा, लेकिन अब बाबा निकाल के तो आपका बाल भी खराब हो जाएगा, इसलिए एक बार पहनो तो मत निकालो। हाँ, फिर ये वाला, हाँ ये पिंक कलर का बो वाला है जो यूजुअली लड़कियाँ फेरी ड्रेस या फ्रिल वाले फ्रॉक में पहनते हैं। फिर दूसरा मेरे पास है ये रेड वाला, ये बहुत पुराना वाला है, ये सबसे इसका पुराना, जो इसका एक रेड फ्रॉक था उसके साथ ये लिया था मैंने। हाँ, ये भी अच्छा है। और उसके बाद मेरे पास ये रेड वाला है, इसकी तरह सेम है। हाँ सेम है, ये रेड और येलो दोनों सेम है, लेकिन येलो में वो स्टोन था बीच में पर वो गिरकर टूट गया। अभी रेड में एक ही बाकी है, एक्चुअली दो था पर खेलते वक्त गिरकर तो एक है। उसे जहाँ आपको चाहिए, बच्चे को सेंटर में चाहिए या राइट साइड या लेफ्ट साइड, कहाँ पे भी आप रख सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं। और दूसरा है नंबर ये वाला, ये जो ये वाला एक है वो जो हमारे पास ऐसे हम करेंगे तो चेंज होते हैं, वो सीक्वेंस जैसे आपने आजकल के बच्चों के बैग पर्स बैग भी है जो सीक्वेंस वाला है। दिखाओ बराबर सीक्वेंस कैसे, आप उल्टा दिखा रहे हो। हाँ ऐसे चेंज करो। हाँ तो ये इसके साथ था, लेकिन ये निकल गया तो मैं हम लोग ऐसे ही क्लिप डाल के वो की तरह डाल सकते हैं, जैसे ये हेयरबैंड में वो है ना। हाँ वैसे इसमें आप इसको बाल में भी लगा सकते हैं, अगर आप पोनी गिर गया, अगर आप पोनी बांध रहे हो बच्चों को, गर्ल्स को ऐसे इसे पे बैंड में, अगर हम नॉर्मल ब्लैक बैंड या कलर बैंड में गम से चिपकाएंगे ग्लू से तो वो ऐसे वाला बैंड बन जाएगा, हेडबैंड बन जाएगा। वो ये तो फिट था इसके साथ, लेकिन ये गिर गया। हाँ तो हम ऐसे भी ऐसे क्लिप डाल के यूज कर सकते, टाइम पास हम खेल भी सकते इसके साथ। फिर दूसरा मेरे पास यहाँ पे एक हेडबैंड है शुभश्री, जो पिंक कलर का स्टोन, ये पिंक कलर का स्टोन वाला है, ये दिखाओ बराबर। ये और ये दो हेडबैंड्स हैं, मतलब ये कपड़े का है, ब्लू वाला एक है और ये रेड वाला है। मैं अभी पहन कर दिखाती हूँ, आप देखिए। ये कंफर्टेबल आगे से बाल भी नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऐसे स्टाइल भी कर सकते हैं इस पैंट का, इसे पैंट को भी बाल का स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। फिर ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला का स्टाइल थोड़ा अलग है इससे, इसमें ऐसे है और इसमें बीज जो थोड़े फ्लावर बड़े टाइप का है, इसमें थोड़ा नेट टाइप का है।
है। तो अभी मैंने जो ये दिखाया था आपको, इसके अंदर मैं बैग भी जिसमें बताया है, जो सीक्वेंस जैसा वो उसने दिखाया था वही टाइप का सीक्वेंस बैग है। बैग है जो मैं मेरे क्लासेस के लिए यूज करती हूँ, जाते वक्त ले जाती हूँ। और पिकनिक को भी मैं ले गई थी सर। तो ये मैंने देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें कलर चेंज हो, जैसे ये हाथ घुमाती है वैसे ही ये कलर चेंज होते हैं। और जब भी ये बैग पहन के बाहर जाती है तो छोटे बच्चे हो या छोटी लड़कियां हो, सबकी नज़र इस पर पड़ जाती है और सब अपने मम्मी पापा को बोल देते हैं कि मम्मी मुझे भी ऐसा बैग चाहिए। मैंने रिसेंटली लिया था। हाँ, ये अभी का फैशन है, मतलब काफ़ी सारे लड़कियों की आता है, पैंट में भी होते हैं, ड्रेस भी है, शूज भी आते हैं, छोटे बच्चों के लिए शूज में मिलता है, शूज भी मिलता है, और ऐसे ब्रेसलेट भी मिलता है, मैंने देखा हुआ है, और ऐसे और भी बहुत सारे टाइप के मिलते हैं। यही है इसका हेडबैंड कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से जो भी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कौन सा पसंद आया? ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।